अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। जी, मंदिरा मैडम ने बुलाया था। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने बुलाया था ना? जी। पेशेंट कहाँ है? वो आ रहा है, आप लोग इंतजार कीजिए, बैठिए। मम, ये लोग कौन है? पागल खाने से आए हैं, शिव को लेके जाने के लिए। जैसे शिव आएगा ये लोग उसे वहां लेकर जाएंगे मेंटल असाइलम। पागल खाने, वैसे ये जो मैंने डिसीजन लिया है शिव को पागल खाने भेजने का, ये सही है ना? मतलब आपको क्या लगता है कमल, मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया आपने। पद्मा दीदी, आपको क्या लगता है सही किया ना मैंने? अरे बिल्कुल सही किया भाभी, यही करना चाहिए था। अब वो पगले को घर पे थोड़ी ना रख सकते हम। तुम्हें क्या लगता है क्यों थे? मम, आई थिंक आपने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल सही किया, यही होना चाहिए। भेज दो उसे पागल खाने। कोयल, बिल्कुल सही डिसीजन लिया मॉम, मैं आपके साथ हूँ। नंदू, बेटा मैं जानती हूं कि तुम शिव से कितना प्यार करते हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो शिव ने कितनी बार तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया, तुम्हें कितनी बार मारा है उसने, तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट किया है। हाँ वही, मतलब मुझे पता है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करते हो। अरे तुम्हारे और शिव का रिश्ता तो भगवान शिव और नंदी के रिश्ते जैसा है, एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। शिव का बंधु नंदू, शिव का दोस्त सखा, सब कुछ। पर एक बात बताओ मुझे, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो पागल खाने जा रहा है? तुम ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो कि वो वहां जा रहा है क्योंकि वहां उसकी ट्रीटमेंट होगी, डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे, और जब वहां रह के वो ठीक हो जाएगा फिर वापस आएगा, क्या तब तुम्हें खुशी नहीं होगी? क्या तुम नहीं चाहते कि शिव ठीक हो जाए बेटा? क्या हुआ नंदू बेटा, इतना सोच क्या रहे हो? तुम्हारी मामी बिल्कुल ठीक तो बोल रही है बेटा। हम सब शिव से प्यार करते हैं, हम उसके दुश्मन नहीं हैं, और वो तो मेरा बेटा है। डोंट वरी नंदू, टेंशन मत ले, मॉम जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, शिव भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिमझिम बेटा, तुम्हें क्या लगता है शिव को भेजना चाहिए ना पागल खाने?
रिमझिम मॉम कुछ पूछ रही है तुमसे। बताओ ना, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो, मुझे अपनी बहू की राय चाहिए। मम्मी जी, अगर आपने डिसीजन लिया होगा तो फिर तो सही है। परफेक्ट। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूं जो शिव को पागलखाने भेजना चाह रही थी, फिर अब समझ में आया कि सब लोग यही चाहते हैं। कमल भी यही चाहते हैं, पद्मा दीदी भी यही चाहती है, नंदू भी यही चाहता है और रिमझिम भी, और लगता है शायद भोलेनाथ भी यही चाहते हैं। अब हम घी लेके आते हैं। ये रिमझिम इतनी घबराई हुई क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शिव को पागल करने हम शक्ति को पता नहीं होगा इससे पहले कि वो लोग यहां पहुंचे। शक्ति, फोन उठा, फोन उठा शक्ति। दीदी का कौन? रिमझिम का फोन? एक खबर न तो कह दू, काम अर्जेंट हो ना तो रिमझिम का भी रिक्स नहीं लेती। उठा उठा फोन उठा। स्पीकर स्पीकर बड़ा, स्पीकर बड़ा। हेलो दी, शक्ति तुम लोग डॉक्टर शिव को यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे डॉक्टर शिव को पागल खाने लेके जाने के लिए पूरा इंतजाम हो चुका है। क्या? हाँ शक्ति, यहाँ पे पागल खाने से ऑलरेडी 4 आदमी भी आए हुए हैं। जब भी लगता नहीं कि मंदिर और नहीं गिरेगी, चुम्मक छल्लू और गहरा गड्ढा खोदती है और उसमें गिर जाती है। बकवास औरत। कुछ भी हो जाए शक्ति, आप लोग यहाँ पे मत आओ। आप लोग अगर यहाँ पे आओगे ना तो वो लोग उन्हें पागल खाने लेके चले जाएंगे और फिर उनको वहां से वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वैसे भी मम्मी जी ने यहाँ सबको इस बात के लिए कन्विंस भी कर ली। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।